बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ माशा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से आपको सलाम करता हूँ। आपका जवाब सुनने के लिए मेरे को आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन आप अपना जवाब मुझे वालेकुम सलाम करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें, और वीडियो जैसी लगे उससे रिलेटेड भी लाजमी कमेंट कर दिया करें। और जो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू है, लाजमी लाइक सब्सक्राइब कर लें कि एजुकेशन वीडियोज़ जो भी आपके पास आती रहें इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मिलती जाए। सही है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। हम इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड में, क्योंकि इस तरह का सवाल पिछली बुक में भी था और इस बुक में भी है, तो आ सकता है एग्जाम में। सही है, इजी है। हमें इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। इस सवाल को हमें करना ये है कि हमें इसको फॉर्म में लिखना है। हमें इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है? पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस b। हमें इस अकॉर्डिंग लिखना है कि y की वैल्यू एक तरफ होगी, फिर x वाली वैल्यू और फिर नंबर की वैल्यू। तो y की वैल्यू को हम यहीं पे छोड़ेंगे, 4y को, माइनस 3x को वहाँ, 3x की वैल्यू को वहाँ लेके जाएंगे और 12 को भी वहाँ ले जाएंगे। प्लस में था 3x, माइनस में हो गया, माइनस 12 है यहाँ के प्लस 12। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक तो ये अरेंजमेंट होती है, दूसरी यहाँ जो कॉन्स्टेंट होता है वो 1 होना चाहिए। तो इसलिए अगर यहाँ कोई नंबर मौजूद होगा वहाँ पर आके डिवाइड कर दोगे सबसे, तो ये डिवाइड हो गया। एक और स्टेप करेंगे एलसीएम ब्रेक का, तो 3x अपॉन 4 हो गया, 12 और 4 को लिखेंगे 12 अपॉन 4। कटिंग जहाँ पर होगी वहाँ कटिंग करके आपने लिखनी है, तो ये हो गया माइनस 3x अपॉन 4, 4 वन ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12, तो ऊपर बच गया 3। तो ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जिससे आप देखो अगर आप नोट करो तो जो x के पास है वो स्लोप है। अगर इस सवाल में फ़र्ज़ कर लो आपको स्लोप पूछा जाए या कोई इक्वेशन में स्लोप पूछा जाए, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। और भी तरीके हैं स्लोप निकालने के, हम वो सीखेंगे इंशाल्लाह आगे। और b जो 3 नज़र आ रहा है वो आपको फॉर्मूले में b y इंटरसेप्ट की जगह नज़र आ रहा है, तो जब भी आपको किसी सवाल में स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना हो, इस तरह कंपेयरिंग फॉर्म में लिख सकते हो उसको। ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। पार्ट नंबर 2 में हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में लेना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी जो है वो टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला से होगी, y अपॉन बी इक्वल टू वन, ये है। तो क्या करूँगा मैं, इस तरह से लाऊंगा, इस तरह से इस वैल्यू को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको स्टेप पता होने चाहिए कि आपने नंबर वाली टर्म दूसरी साइड पे लेके जानी है। तो प्लस 12 में आ जाके माइनस 12 में आ जाके प्लस, सिर्फ नंबर वाली वैल्यू, उसके बाद 12 डिवाइड में आ जाएगा 3x प्लस 4y अपॉन 12। यहाँ पर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगी तो 1 बचेगा, प्लस माइनस में जाती है तो 0 बचता है। सही है, ये आपको पता रखना है और ये स्टेप भी समझ लेना, क्योंकि आगे भी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आगे फर्दर हम इस फॉर्म में लाने के लिए एलसीएम ब्रेक करेंगे, तो 3 अपॉन 12, 4y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। सही है, तो 3 वन ज़ा 3, 3 फोर ज़ा 12, एक्स अपॉन 4, 4 वन ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12। ये आपका आंसर आ गया। और इस आंसर से आप ये बता सकते हो कि इस सवाल में x इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 है अगर आप फॉर्मूले से देखो, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू 3 है। पीछे भी फॉर्मूले से हमारे पे यही आई थी y इंटरसेप्ट की वैल्यू, तो किसी भी तरीके से करो आंसर में फ़र्क नहीं आता। वैसे तो तीसरे पार्ट पे देखते हैं। तीसरे पार्ट में हमें नॉर्मल या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और नॉर्मल का मतलब एक ही होता है। नॉर्मल भी 90 डिग्री लाइन के लिए आता है, परपेंडिकुलर भी वही आता है। तो परपेंडिकुलर फॉर्म के लिए, परपेंडिकुलर फॉर्म जो होती है वो हमारी होती है x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम आसान कर लेते हैं, x अपॉन k प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू c अपॉन k। और इसमें जो k होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में। सही है, तो सबसे पहले तो हम k निकालेंगे। a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। ये जो सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में x के साथ जो वैल्यू दी है वो a की है, ये b की है। सही है, तो ये a भी आ गया, इनको आपने पुट किया यहाँ पर, ये हो गया k इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो 25 आ रहा है, और 25 का रूट क्या होता है हमारा 25, और 25 का रूट 5, तो k की वैल्यू आ गई। अब देखो फॉर्म क्या बन जाएगी, ए मतलब 3x, फिर हमारे पास k की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारी क्या है 4, 4y अपॉन 5, और c की वैल्यू आप अगर दूसरी तरफ ले जाके लिखो
तो आपके पास इज इक्वल टू सी 12 बन रही है और नीचे 5 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। सही, तो के की वैल्यू को हर किसी से डिवाइड कर देना है, इतना आपने सवाल में करना है पार्ट 3 के अंदर। तो तीन फॉर्म में करने को बोला था, सवाल आपका यहाँ पर आके खत्म हो जाता है क्वेश्चन 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 में अगर आप देखो तो आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल, साइड ऑफ द ट्राइंगल की आपने इक्वेशन निकालनी है, ट्राइंगल की एक डायग्राम बना लेनी है आपने साइड में, कि आपको और इजी समझ आ जाए सवाल। तो आपने एक रफली डायग्राम ले ली, ए बी सी तीन पॉइंट दे रहा है, पहले को ए नाम देना है, दूसरे को बी और तीसरे को सी, आपकी मर्जी, आप जो नाम देना चाहो आप वो दे सकते हो। 1 4, फिर 2 -3, फिर आपके पास -1 -2 पॉइंट्स आ गए। आपके पास ए 1.4, बी 2.-3, सी -1.-2 आर द गिवन पॉइंट, लिख दिया आर द गिवन पॉइंट। सही, आगे आ जाते हैं, इक्वेशन निकालनी है, तो आपको ये इक्वेशन भी निकालनी है, ये इक्वेशन भी निकालनी है। इक्वेशन निकालने के बहुत से तरीके हैं, पहले सबके स्लोप निकाल लो, फिर पॉइंट स्लोप लगाओ, या डायरेक्ट टू पॉइंट फार्मूला लगाओ। सही, दो पॉइंट्स है ना हर जगह, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशंस के लिए टू पॉइंट फार्मूला यूज़ करूँ। पहले इक्वेशन ऑफ ए बी से शुरू करते हैं, तो जो भी इक्वेशन निकालो पहले पॉइंट ज़रूर लिखो, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट में वैल्यूज पुट करते वक्त ही अक्सर बच्चों की गलती होती है। सही, पॉइंट्स लिखे, x1 ये y1, ये x2 और ये y2, वैल्यूज़ आ गई ए बी। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो इक्वेशन का फॉर्मूला एक दफ़ा लिख लेते हैं, y-y1, y2-y1, फिर x-x1, x2-x1, ये आपने फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यूज़ पुट करते हैं, y-y1 की वैल्यू आपकी 4 है, फिर y2-y1, y2 की वैल्यू -3, फिर y1 4, फिर x-x1 की वैल्यू 1, x2-x1 2-1। आगे बढ़ जाते हैं, y-4/-7, x-1/1। सॉल्यूशन में ये नंबर्स कटिंग होते ही, तो कटिंग करते नहीं हो रही, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रहेगा, -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -7x, -7 सारी वैल्यूज एक तरफ लेके आएंगे, एक्स की वैल्यू को प्लस कर देवे, तो +7x हो गया यहाँ पर आके, फिर मैंने +y लिखा, फिर ये -4 था वो लिखा, और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा जो दूसरी वैल्यू, तो -4 लिख दिया मैंने, +7 है यहाँ पर आके -7। सिंप्लीफाइड होती हुई वैल्यू नज़र आए तो लाजमी है सिंप्लीफाइड करो, 7x + y -7 और 4 को अगर आप सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा -11। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई ए बी की। बिल्कुल इसी स्टेप से आपने दूसरी इक्वेशन निकालनी है, फिर आप निकाल लो इक्वेशन ऑफ बी सी। जो इक्वेशन निकालो मैंने बोला पॉइंट ज़रूर लिखो कि गलती ना हो, बी पॉइंट लिखा, सी पॉइंट लिखा, -1.2, वैल्यूज पुट की, x1 y1 x2 y2, वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेता हूँ, इसको फॉर्मूले में रखे, y-y1 की वैल्यू -3, फिर फॉर्मूले में आता है y2-y1, y2 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू फिर -3, x-x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है तो ये 2 लिखी, फिर x2-x1 आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y+3, नीचे -3 -2 1, x-2/-3, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 3 मल्टीप्लाई होगा अपोजिट साइड पे, -3y -+-3 3 9, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, 1 मल्टीप्लाई होता सेम रहता है, x प्लस में इसलिए इनको यहाँ पे ले जाऊँगा, x+3y, तो -3 था वहाँ जाके +3, फिर मैंने -2 को लिखा, फिर -9 को वहाँ ले जाके लिख लूँगा तो +9, x+3y+7 = 0, ये आपके पास क्या आ गया आंसर, क्लियर है। तो ये आपका यहाँ पर आके सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है पार्ट नंबर ए बी इक्वेशन से और बी सी इक्वेशन से। तीसरी इक्वेशन भी निकालनी है तो तीसरी इक्वेशन भी निकालेंगे, तीसरी इक्वेशन ए सी बच रही है, ए पॉइंट आप लिखोगे 1.4 दिया है, सी पॉइंट आपको -1.-2 दिया, सवाल से देख के आपने लिखना है इक्वेशन वही y-y1 की वैल्यू आपके पास क्या है, प्रॉपर पता रखने के लिए आपने लिखना ज़रूर है। सही है, पेंसिल से लिख लो या जिससे भी लिख लो,
वाई माइनस वाई वन, फिर वाई टू माइनस वाई वन, फिर एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये होगा वाई माइनस फोर अपॉन माइनस सिक्स, एक्स माइनस वन अपॉन माइनस टू। अब यहाँ पर केस है कि माइनस हो दोनों तरफ, तो माइनस से माइनस कट, टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स। तो अब ये थ्री बचा, पहले तो लिख लेता हूँ एक स्टेप करके कि आपको मुश्किल ना हो, वरना मैं डायरेक्ट तो कर सकता था। नीचे वन बच रहे हैं, नहीं लिखूंगा। थ्री डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, वाई माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस थ्री वन ज़ा थ्री। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले आना है, एक्स प्लस में है इसलिए इन दोनों को वहाँ ले जाएंगे, थ्री एक्स माइनस वाई, माइनस थ्री अपनी जगह पर, प्लस फोर यहाँ पर आके, और माइनस फोर यहाँ पर आके प्लस का फोर, थ्री एक्स माइनस वाई प्लस वन। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर आ गया। तीन आंसर आपके निकले। आपने प्रॉपर रिजल्ट की हेडिंग अपने पास ज़रूर डालनी है। रिजल्ट की हेडिंग डालोगे, पहले आपके पास इक्वेशन आई थी 7x प्लस वाई माइनस 11, सेकेंड इक्वेशन आपने निकाली। इक्वेशन की अरेंजमेंट आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई भी इक्वेशन को पहले लिख दो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीन इक्वेशंस यही आनी चाहिए पीछे आंसर से। अब कौन सी इक्वेशन पहले लिखी जाए, कौन सी बाद में, इससे कोई सरोकार नहीं होता, आंसर ही आता। सही है, ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7.3, क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने कंप्लीट करा दिया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे पास, चेक कर लेते हैं कि पार्ट नंबर हमने इसमें करना था 6 और 7 जो मैंने करवा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो 8 और 9 पार्ट की होगी, 8, 9, 10 की होगी। फिर रिमेनिंग जो पार्ट होंगे 11, 12, 13, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में होगा। सही, तो मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आपसे अलाफिज लेता हूँ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करेगा, स्टार्ट में सलाम का जवाब ही दे दीजिएगा अगर वीडियो के रिलेटेड कोई कमेंट ना करना हो। और बहुत अच्छा है कि आप सलाम के साथ साथ वीडियो का जवाब भी दें कि वीडियो के अंदर आपको वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगी, कोई चीज़ मैंने गलत कर दी हो, कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, तो आप मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा।